हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्रोशिया से मैट बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी है इसे बनाना। उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टी ले ली है। ये फ्रेंड्स आप चुन्नी से ले सकती हैं, साड़ी में बना सकती हैं, आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं आप उनसे बना सकती हैं, जो भी आपके पास कपड़े हैं आप उनसे ही बना सकते हैं। डोरमैट देखिए, इसे डोरमैट में यूज कर सकते हैं, पूजा मैट में यूज कर सकते हैं, टेबल मैट में यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा, दो कलर में बनाएंगे हम। तो उसके लिए मैंने ये 4.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए मैट बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैट बनाने के लिए हमें एक नोट लगाना है। हम इस तरह से एक नोट लगा लेंगे, ऐसे 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 हम एक नोट लगा लेंगे और ऐसे इस पट्टी को हम उंगली पे लपेटेंगे, ऐसे घुमाते हुए। देखिए ये बिल्कुल जैसे ऊन हो जाती है, इस तरह से हमारा घूम के आ जाएगा ऐसे, और इसे हम टाइट कर लेंगे फंदे को। अब देखिए हमें क्या करना है, क्रोशिया को ऐसे, धागे को क्रोशिया पे ऐसे लपेटा और इसमें से हम निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे ही निकालते हुए हम इसमें 6 चेन बना लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए 6 चेन बना ली हमने। 6 चेन बनाने के बाद हम जो पहले हमने चेन बनाई थी ये वाली, इस चेन में ऐसे क्रोशियो को डालेंगे और इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। देखिए इसे आप थोड़ा सा इस तरह से लपेट लें, ऐसे लपेटेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से बनेगा। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनाएंगे, 2 और ये 3। 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद हम क्रोशिया को क्रोशिया के ऊपर ऐसे इसको लपेटेंगे पट्टी को और ऐसे घुमा लेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे। ये हमने इसे ऐसे निकाला और 2 का 1 बना दिया। डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसमें देखिए फिर से क्रोशिया के ऊपर हम ऐसे पट्टी को लपेटेंगे और जो ये हमने ये लिया था इसे साथ में ले लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। 2 का 1 बनाया, फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। फिर से देखिए ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागे को ऐसे लपेटा, इस पट्टी को ऐसे, और इसके अंदर से जो हमने ये रिंग बनाई थी ना इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरी इसमें देखिए हमने 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं ऐसे। और ये देखिए हमने जो चुन्नी में कट नहीं लगाया था ना उसे इस तरह से लपेटेंगे हम ऐसे, इसे लपेट लेंगे ऐसे। और लपेटने के बाद इसे क्रोशिया के ऊपर ऐसे लपेटेंगे और इस रिंग में दोबारा से ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए इसमें ये देखिए यहाँ पर मैंने 2, 4, 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और यहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशिया और बना लूंगी। तो देखिए ऐसे घुमाया क्रोशिया के ऊपर ऐसे इसको लपेटा
और रिंग में से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे ऐसे, और ऐसे इसे दो का एक बना दिया। ठीक है, फिर से देखिए हम ऐसे ही लपेटेंगे और इस रिंग में से फिर से निकाल लेंगे, दो का एक बनाया, फिर से दो का एक बनाया ऐसे। देखिए हमारा इस तरह से बन के आएगा। फिर से क्रोशिया के ऊपर लपेटा और यहाँ पर दो का एक बनाया, फिर से दो का एक बनाया, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। देखिए हम काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक बार हम फिर से बनाएंगे ऐसे, और ये हमारे नौ बार डबल क्रोशिया हो गए। देखिए ऐसे, ठीक है, नौ बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए हम जो ये हमने तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में यहां से ऐसे निकालेंगे ऐसे। इसे देखिए आप थोड़ा सा लूज लूज बनाए ताकि हमारा ऐसे फोल्ड ना होए, इस तरह से खुला खुला बनता जाए, और फिर हम इसे इसमें से निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर से देखिए हम तीन चेन बनाएंगे, दो तीन, तीन चेन बनाई, और देखिए जो ये हमें इसमें गांठ लगाने की जरूरत नहीं थी, इस तरह से हमने इस कपड़े को काटा तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारे जो कॉर्नर है ना ये इसके अंदर ऐसे फोल्ड हो जाएंगे ऐसे ऐसे, जब हम इसे लपेटेंगे ना तो ऐसे करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से लिपट कर अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए फिर से हम ये हमने तीन चेन बनाई और इसी क्रोशिया में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे ऐसे, और इसे ऐसे लपेट लेंगे हम ऐसे। ठीक है, देखिए फिर से हम इससे अगली चेन में इसमें एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस चेन में बनाया, फिर हमने इस चेन में बनाया, सभी चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे ऐसे। तो चलिए ये राउंड में ऐसे ही सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने यहाँ पर दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे देखिए तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ये तीन चेन बनाई हमने और इसी में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लिया देखिए। यहां पर हम चार चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे और यहां पर हम एक चेन छोड़ेंगे और उससे अगली चेन में यहां पर ये चेन छोड़ देंगे हम, इसमें हमने ये तीन डबल क्रोशिया बना लिए इस वाली चेन में, और ये चेन हम छोड़ देंगे इससे अगली चेन में, इसमें ये नीचे जो होल दिख रहे हैं ना, होल दिख रहे हैं, इसमें से निकालेंगे ऐसे, और इसे हम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर हम एक चेन बनाएंगे और इसे देखिए ये जो हमें कटिंग की थी इसे ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे। फिर से देखिए इस होल में जो दिख रहा है नीचे, अब की बार हमें चेन में नहीं लेना है, नीचे से लेना है, और इसे ऐसे निकाल लेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसे हमें थोड़ा सा लूज लूज ही बनाना है ऐसे, देखिए ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे
ऐसे, ठीक है। फिर उससे अगले होल में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर एक चेन बनाएंगे फिर उससे अगली में। ये हर जो ये होल दिख रहा है आपकी बार, हमें चेन में से नहीं लेना है, जो नीचे होल दिख रहा है उसमें से निकालते हुए हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर उससे आगे वाली में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इसे देखिए, हमें थोड़ा सा लूज लूज छोड़ते हुए बनाना है ऐसे। फिर एक चेन बनाई ऐसे, एक चेन बनाएंगे, धागा क्रोशिया के ऊपर लेंगे और ऐसे अगले होल में निकाल देंगे ऐसे ऐसे। और इस धागे को जब हम यहाँ पे आएंगे जहां पर हमने ये नोट नहीं लगाया था चुन्नी को काटते वक्त, उसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम ऐसे, ठीक है, और ऐसे उंगली पे लपेट लेंगे ऐसे। साथ साथ में इसे हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और बनाएंगे। देखिए फिर से हमें क्या करना है, एक चेन बनाएंगे और उससे अगले होल में यहाँ पर ये दिख रहा है ना जो होल, यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे फिर उससे अगले वाले होल में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे ऐसे बनाते हुए जाना है हमें। फिर हम एक चेन बनाएंगे, देखिए इस पूरे राउंड को यहां तक लेके आती हूँ फिर आगे बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए पहले राउंड में हमें यहाँ पर नो डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद हमें हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया एक एक बार, उससे अगले तीसरे राउंड में हमें एक चेन बनाई और इस होल में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो देखिए अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर लगाएंगे, ये व्हाइट कलर लगा लेंगे हम यहाँ पर एक राउंड, हम यहाँ पर बीच में व्हाइट कलर से लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, और इस ब्लू धागे को ऐसे टाइट कर देंगे ऐसे, ठीक है, और इसे एक इस तरह से नोट बना लेंगे और इसे हमें ऐसे टाइट कर देना है। फिर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाई और ये एक तीन चेन हमें डबल क्रोशिया के लिए बनाई और एक चेन हम जो एक चेन बनाएंगे वो चेन बनाई। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये इसी होल में हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस वाइट वाले जो हमारा धागा है इसे ऐसे बीच में फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इसे ऐसे निकाल लेंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे ऐसे और इससे आगे वाले होल में फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे।
और इसे हम थोड़ा सा ऐसे एक चेन बनाई और यहाँ पर देखिए हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये जो हमें जोड़ है यहाँ पर इसे ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है, ऐसे साथ में इसे ऐसे फोल्ड करके ले लेंगे हम ऐसे 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 ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम अगले होल में निकाल लेंगे ऐसे, ऐसे इसे ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसे ऐसे निकाल लेंगे। देखिए ऐसे बनाते हुए जाएंगे, देखिए एक चेन बनाई और इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं ये राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, दो चेन बनाई और एक डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर एक दो तीन चार चार चेन बनाई। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए अब हम ब्लू कलर लगाएंगे, यहाँ पर अब हम ब्लू कलर लगा लेंगे। इस ब्लू कलर को मैंने कट नहीं किया था ये, क्योंकि इतनी दूरी पे ही है तो इसे ऊपर की साइड ले आएंगे हम ऐसे एक चेन, और इस वाइट धागे को हम ऐसे टाइट कर लेंगे, ऐसे इसे टाइट कर लेंगे। देखिए एक दो तीन चार चार, ये हमने चार चेन बनाई, एक चेन एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें क्या करना है, जो बीच में ये होल दिख रहा है एक डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे ऐसे, दो का एक बनाते हुए ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम देखिए एक चेन बनाएंगे ऐसे और एक डबल क्रोशिया हम जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर आपको टाइट लगे कि ये टाइट है, यहाँ पर आपका झोल पड़ जाए तो आप यहाँ पर दो चेन भी ले सकते हैं। देखिए एक चेन ली और दो चेन ली, ठीक है। दो चेन लेने के बाद फिर से हम इसके बीच में बनाएंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर दो चेन बनाएंगे, एक दो, दो चेन बनाई और यहां पर बनाया जो डबल क्रोशिया था इसके ऊपर बनाएंगे ऐसे 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 बनाते हुए जाना हमें। फिर देखिए फिर से हम दो चेन बनाएंगे और इसको हम यहां पर फोल्ड करते हुए जाएंगे। ये जो हमारे धागे हैं इन्हें हम कट कर लेंगे ऐसे, और यहां पर हम दो चेन बनाएंगे, एक और दो, दो चेन बनाई। फिर से जो बीच में ये होल दिख रहा है यहां पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, दो चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर चेन में ऐसे, ठीक है ऐसे। फिर दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो,
देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बनके तैयार होने वाला हमारा मैट है। इसे आप किसी भी कलर में बनाएं, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। आपके पास चुन्नी है, साड़ी है, आप जिस भी मर्जी से इसे, कोई वेस्ट कपड़े हैं, कॉटन के हैं, किसी भी कपड़े से आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। देखिए मैं ये राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। आप देखिए हमें क्या करना है, एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, दो चेन बनाई, एक इस के जो बीच में ये जगह दिख रही है यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, फिर बीच में बनाया। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने दो चेन बनाई और एक इसके डबल क्रोशिया के ऊपर और एक बीच में बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हम एक राउंड ब्लू कलर का लगाएंगे। इसी तरह से एक इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर हम चार चेन बना लेंगे। देखिए पांच चेन बनाएंगे हम, यहाँ पर दो चेन हमें बीच में छोड़ने के लिए और तीन चेन डबल क्रोशिया के लिए, और इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे जो ये हमें कटिंग की है इसे ऐसे, ठीक है ऐसे। देखिए अब हम फिर से यहां पर बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, ठीक है, फिर दो चेन बनाएंगे। अब हमें इसे सेम प्रोसीजर से बनाना है जैसे हमने पिछला राउंड कंप्लीट किया है, ऐसे ही बनाते हुए हम इसे बना लेंगे। दो चेन बनाएंगे ऐसे, एक क्रोशिया के डबल क्रोशिया के ऊपर से चेन में लेंगे ऐसे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे, एक डबल क्रोशिया जो बनाया है इसके ऊपर से एक बीच में, एक डबल क्रोशिया के ऊपर से एक बीच में। अब देखिए दो चेन बनाएंगे ऐसे, दो चेन बनाने के बाद एक बीच में से ले लेंगे ऐसे, फिर दो चेन बनाएंगे ऐसे, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से ले लेंगे यहाँ पर ऐसे, ऐसे बनाते हुए जाएंगे हम। तो इस तरीके से बनाने से हमारा जो है ये बिल्कुल गोल बन के आएगा, बिल्कुल भी कहीं भी फोल्ड वगैरह नहीं होएगा अगर आप इसमें बीच में दो दो चेन बनाते हुए जाएंगे। देखिए फिर हम दो चेन बनाएंगे ऐसे, फिर डबल क्रोशिया के अंदर ले लेंगे ऐसे, फिर हम दो चेन बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया के ऊपर से इस चेन में ले लेंगे ऐसे, फिर दो चेन बनाएंगे, एक दो, दो चेन बनाई, फिर से बीच में से ले लिया ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे ही बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। जितना आपको बड़ा बनाना है इसी तरह से बनाते हुए जाएं आप, और इसे जितना भी बड़ा बनाना है इस तरह से ही आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये राउंड बनाने के बाद मैं इसमें व्हाइट कलर लगा दूंगी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा ले, ना लगाना चाहें तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से चाहिए, लेकिन प्रोसीजर अब बनाने का सेम रहेगा। तो चलिए मैं इसे बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा बनके किस तरह से तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखिए मैंने एक चेन
चेन के बीच में लिया, एक चेन के डबल क्रोशिया जहाँ पर हमने बनाया था वहाँ पर लिया। अब हम देखें क्या करेंगे, ये वाइट लगा लेंगे एक चक्कर हम। आपको जितना बड़ा बनाना है आप ऐसे भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही सुंदर लगने वाला है। लेकिन अगर आपको इसे बड़ा बनाना है तो आप इसमें एक राउंड और भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक राउंड और बना लेंगे हम व्हाइट कलर से। ये देखिए व्हाइट कलर लगाएंगे हम और इस ब्लू को ऐसे टाइट कर देंगे और व्हाइट को ऐसे इसकी चेन बनाएंगे, एक और दो और ये तीन, तीन चेन बनाई हमने, एक चेन और बना लेंगे, ये चार, चार चेन बनाई। और जो ये चेन है बीच में जहाँ पर खाली उल है वहां पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बन के आएगा और इस ब्लू को हम ऐसे टाइट कर देंगे। फिर से देखिए हमें क्या करना है, एक दो और ये तीन, तीन चेन बनाई हमने और जहां पर हमने ये बीच में जगह है खाली यहाँ पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा बनके आएगा यहाँ पर। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे। अगर आपको देखिए ये चेन यहाँ पर ज्यादा गैप लग रहा है तो आप दो चेन भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दो चेन बनाने के बाद भी दिखाती हूँ। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप तीन चेन बना लें ऐसे, चेन बनाएंगे दो और ये डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से देखिए दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाने के बाद देखिए जहां पर ये बीच में गैप है यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसे उंगली पे ऐसे लपेट लेंगे। देखिए बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बन के आने वाला हमारा मैट है ऐसे। आप अगर एक बार में बैठ के बनाएंगे तो ये मात्र एक घंटे में हमारा मैट बन के कंप्लीट हो जाएगा। इतना इजी है इस मैट को बनाना। इस गैप में डाला और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। ठीक है, देखिए अगर आप व्हाइट ना लगाना चाहे तो भी हमारा ये जितना बड़ा छोटा आप बनाए उसी हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक व्हाइट का चक्कर और लेके आऊंगी। तो चलिए देखिए फिर से हम दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो, दो चेन बनाई और जहां पर देखिए ये बीच में इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए फिर से हम दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो, दो चेन बनाई और यहां पर फिर से हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस पूरे राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करना है हमें ऐसे। फिर दो चेन बनाएंगे, जहां पर ये बीच में हमें अब की बार हमें इसके ऊपर वाले इसमें नहीं लेना है, यहां पर लेना है बस खाली जो बीच में जगह है दो चेन बनाने के बाद ऐसे। देखिए फिर इसे डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। देखिए इसे हम साथ में फोल्ड करते हुए ऐसे इसे फोल्ड कर लेंगे हम ऐसे। पहले आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं पट्टी को अपनी को उंगली पे
और इसे ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ठीक है। फिर देखिए दो चेन बनाएंगे, एक और दो, दो चेन बनाई। दो चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, ऐसे बन के आएगा हमारा, ठीक है। देखिए ऐसे फिर दो चेन बनाएंगे। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप इसमें दो जगह, दो चेन की जगह तीन चेन बना लें। अगर आपका हाथ ऐसे नॉर्मल है तो आप इसमें दो चेन ही बनाएं, क्योंकि जो ये हमारी पट्टी है ये थोड़ी सी ऐसे, देखिए इस तरह से हमारी चेन बन के आएंगी। तो फिर दो चेन बनाएंगे, एक और दो, दो चेन बनाई। फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, फिर दो चेन बनाई, एक और दो ऐसे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे हम जहाँ पर बीच में हमारा ये गैप है। अब की बार हमें ऊपर या बीच में नहीं लेना है, एक बीच बीच में बनाना है ऐसे, दो डबल क्रोशिया के बीच में जहाँ पर ये हमें होल दिख रहा है यहाँ पर बनाएंगे हम। तो देखिए फिर दो चेन बनाई और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम दो चेन बनाएंगे, एक और दो, दो चेन बनाई और यहाँ पे वापस ऐसे, फिर दो चेन बनाएंगे ऐसे। ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे, एक और दो, दो चेन बनाई हमने। देखिए इस पट्टी को हम इसमें इस तरह से साथ में लपेटते हुए चलेंगे ऐसे, ऐसे ठीक है, ऐसे लपेट लेंगे हम इसे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, ठीक है। फिर दो चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, फिर दो चेन बनाएंगे फिर बीच में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। ऐसे फिर एक और ये दो, दो डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ बीच में से निकाला और डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, ठीक है। देखिए फिर से हम दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे, वापिस देखिए फिर दो चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर देखिए हम दो चेन बनाएंगे और इसे ऐसे लपेट लेंगे और वापिस
इसे यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर हम दो चेन बनाएंगे, और यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे, ऐसे, ठीक है। फिर दो चेन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ही बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। मैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मैट क्लियर हो गया है कंप्लीट। ये कुछ इस तरह से बन के आया है। अगर आप इसे एक कलर में बनाना चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं, अगर आप इसे मल्टी कलर में बनाना चाहें तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। आप इसे जितना मर्जी बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आया है। देखिए आप इसे पूजा मैट में, डोर मैट में, टेबल मैट में, किसी भी मैट में यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आया है। तो देखिए ये अब हम नोट लगा देंगे यहाँ पर ऐसे, और इसे ऐसे टाइट कर देंगे। देखिए ऐसे ये हमारा कुछ इस तरह से मैट बन के आया है। बहुत ही सुंदर सा मैट बन के आया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, बहुत ही जीवे में मैंने इसे आपको बताया है, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाला। मात्र आप बैठ के एक बनाएंगे लगातार, तो एक घंटे में आपका मैट बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के तैयार है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए इस मैट को बनाना। देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आया है। देखिए, आप जरूर देखिए। थैंक यू।